दैनिक स्टेर समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। जल्द ही 2-3 महीने के बाद, लगभग 2 महीने हम क्या चकते हैं, और उसके बाद जो म्यूनिसिपल की इलेक्शन है उधमपुर की, जी हाँ, जो निकाय चुनाव है वो आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और बड़ी खबर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होती है तो सीटों को लेकर बदलाव होते हैं। जिनको रिजर्व रखा था, यानी कि पिछले समय, तो उनको चेंजिंग में लाया जाता है, रिजर्व को ओपन, और ओपन के कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं। और ऐसा ही कुछ होने वाला था, और अब जो खबर आई है ऐसा ही कुछ हुआ है। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिस जम्मू जो है उनके द्वारा, यानी कि चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर जो जम्मू है उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया है। फिलहाल ये जो आदेश है ये भी पक्का नहीं है। आज 4 सितंबर है, और इसके आदेश के लिए ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय जो है वो 9 सितंबर तक रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी सीट जो है उधमपुर की 21 वार्डों की वो रिजर्व होने जा रही है, और कौन सी ओपन और कौन सी ऐसी रिजर्व। लेकिन कैप्शन में मैंने लिखा है कि किसी के चेहरे खिल जाएंगे, और शायद किसी को इन सीटों के ऊपर विश्वास ना हो और वो दुखी भी हो, क्योंकि उनका दोबारा इलेक्शन लड़ने का मन होगा, लेकिन उनके सपनों पे पानी भी फिर सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। वार्ड नंबर 1 की बात करें, जहां पर इस समय मौजूदा पार्षद प्रीति खजूरिया है, जिनके द्वारा बेहतरीन काम किए जा रहे हैं, लेकिन अब सुनने में जो आ रहा है, जो नया ऑर्डर जो आया है उसके मुताबिक अब ये सीट जो है वो ऐसी रिजर्व हो जाएगी। जी हाँ, चाहे पुरुष खड़ा हो चाहे महिला खड़ा हो, लेकिन वहां पे रिजर्व होगा, ऐसी रिजर्व। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 11 और 19 ये ऐसी रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन जो वार्ड नंबर 11 है इसमें सिर्फ महिला खड़ी हो सकती है, वो भी ऐसी, यानी शेड्यूल कास्ट, वो सिर्फ महिला के लिए वार्ड नंबर 11। और कौन से वार्ड हैं जहां पे सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी इस बार, वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। वो है वार्ड नंबर 2, जी हाँ, जो फिलहाल हमारे पास जो जानकारी मिली है, वार्ड नंबर 2 उधमपुर का, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 20, यानी कि 6 वार्डों में सिर्फ महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी, और जो 3 वार्ड हैं वो रिजर्व किए गए हैं एससी के लिए, और उसमें से एक वार्ड जो है 11 नंबर, यहां पे सिर्फ एससी महिला ही चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा जो भी वार्ड बचे हुए हैं वो सब ओपन है, वहां पे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो फिलहाल जैसे मैंने बोल दिया कि अभी ये पक्की मोहर नहीं है, क्योंकि 9 सितंबर तक इसके लिए ऑब्जेक्शन जो करना चाहता है वो वहां पे फाइल कर सकता है। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिस सर जो है वो जम्मू में बैठते हैं, वहां पे कर सकता है। जिसको कोई ऑब्जेक्शन हो कि उनके साथ ऐसा नहीं वैसा हुआ, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो वार्ड रिजर्व किए गए हैं, जो लिस्ट आई है वो हमने आपको बता दी है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 1, 11 और 19 ये ऐसी रिजर्व हैं, लेकिन जो बीच में 11 नंबर है इसमें सिर्फ ऐसी महिला खड़ी हो सकती है। और उसके बाद जो 6 वार्ड महिलाओं के लिए सिर्फ घोषित किए गए, यहां पे सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शन लड़ेंगी, और वो हैं वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 20। इसके अलावा जो भी वार्ड हैं वो सारे ओपन कर दिए गए हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।